Hi, I am Dr. Shweta Shah, a gynecologist, laparoscopic surgeon, founder and director, Twameva Clinic, Mumbai. आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इनफर्टाइल कपल्स को डॉक्टर्स दूरबीन की जांच या मेडिकली डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करने की सलाह कब देते हैं। ये प्रोसेस की सलाह डॉक्टर्स तभी देते हैं जब किसी औरत की उम्र मोर देन 35 इयर्स विद अ मैरिड ड्यूरेशन ऑफ अबाउट मोर देन 5 इयर्स। आपके सारे ब्लड टेस्ट के साथ सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर पानी, पस या ब्लड, जिसे मेडिकली हाइड्रोसैल्पिंग्स, पायोसैल्पिंग्स या मैटोसैल्पिंग्स ऐसा दर्शाया गया है। आपके गर्भाशय के अंदर कोई मस्सा, जिसे मेडिकली पॉलिप, कोई फाइब्रॉइड या तो पर्दा या सेप्टम दिखाया गया है। आपने आपकी ट्यूब्स टेस्ट करने के लिए कोई SSG या HSG करवाया है और उसमें यह दिखाया गया है कि ट्यूब में ब्लॉकेज है। सबसे लास्ट, अगर आपको ये जानना है कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक है, तभी भी हम ये टेस्ट करने की सलाह देते हैं। ऑपरेशन के लिए पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, उनको जनरल एनेस्थीजिया दिया जाता है और एनेस्थीजिया देने के बाद हम सबसे पहले एक दूरबीन डालते हैं योनि मार्ग से, जिसे हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये दूरबीन के माध्यम से हमें गर्भाशय का मुंह, गर्भाशय के अंदर की कैविटी जहाँ पे प्रेगनेंसी रहने वाली है, उसके साथ अगर कैविटी में कोई फाइब्रॉइड, पर्दा, पॉलिप है तो हम वो निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ गर्भाशय के अंदर जो फिलोपियन ट्यूब के ओपनिंग, जिसको हम मेडिकली ऑस्टिया कहते हैं, ये सब चेक करते हैं। ये होने के बाद हम आपके नाभि के अंदर दूरबीन डालने की तैयारी शुरू करते हैं। दूरबीन डालने से पहले हम आपके नाभि के अंदर एक 5 mm का कट देते हैं। ये कट से हम लोग एक नीडल पास करते हैं जो हमें आपके पेट के अंदर गैस भरने के लिए मदद करता है। गैस भरने के बाद हमने आपकी नाभि के अंदर जो 5 mm का कट किया है, उसे हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 mm का, और उस 10 mm कट से हम एक चैनल डालते हैं जिसे हम मेडिकली ट्रोकार कहते हैं। ये ट्रोकार के थ्रू फिर दूरबीन जाता है और हम आपके पेट के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम आपका गर्भाशय, फिलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, आपका लिवर, आपके इंटेस्टाइन्स, ये सब चेक करते हैं, और हमें जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगता है ऑपरेशन के दरमियान हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। फाइनली आपके ट्यूब्स चेक करने के लिए हम वजाइना से एक डाई इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये डाई दोनों ट्यूब से बाहर आती है कि नहीं। अगर नहीं आती है, मतलब कि आपके ट्यूब्स में ब्लॉक है, और जो भी ट्यूब ब्लॉक है वो ब्लॉक को हम खोलने की भी ट्राई करते हैं। चलिए हम अब इस ऑपरेशन के एडवांटेजेस समझ लेते हैं। सबसे पहले, आपकी इनफर्टिलिटी का कारण और उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट वही टाइम पे डिसाइड हो जाता है। अगर आपके ट्यूब्स ओपन है तो हम बेसिक ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, लाइक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग विद प्लांट रिलेशंस और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग विद IUI। अगर आपके ट्यूब्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड या डैमेज है तो हमको डायरेक्टली IVF नाम की प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी पड़ सकती है। Also, apart from this, the procedure is absolutely painless. The patient can be discharged within less than 24 hours and she can resume her day-to-day activities from next day onwards. मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि ये procedure करने के बाद couples जिनका semen test normal है, जिनके blood test normal है, जिनकी ट्यूब्स ओपन है और जिनके ट्यूब्स हमने ट्रीटमेंट करके सक्सेसफुली ओपन किए हैं, वो नेक्स्ट साइकिल में ही इमीडिएटली कंसीव कर लेते हैं। टू नो मोर अबाउट दिस प्रोसीजर, काइंडली कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। टू नो मोर अबाउट वुमेन हेल्थ, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय टिल द टाइम आई सी यू नेक्स्ट।